हाय फ्रेंड्स, मैं आकांक्षा शर्मा जी की वित्तकांक्षा में आपका स्वागत करती हूँ। फ्रेंड्स, आज हम महिला सुपरवाइज़र का प्रैक्टिस सेट 11 करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये क्वेश्चन है और बहुत ही शानदार ये प्रश्न है, क्योंकि आज हम जो पढ़ने वाले हैं वो भारतीय दंड संहिता की जो धाराएँ हैं, जो क्रिमिनल कोर्ट की जो धाराएँ रहती हैं, जो कि महिलाओं और बच्चों से संबंधित रहती, किस धारा के तहत क्या क्या बताया गया है, क्या सज़ा बताई गई है, तो वो सभी हम करने वाले हैं। बहुत ही शानदार ये सेट है, और क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनते ही बनते हैं, हर बारी यहाँ से प्रश्न पूछे जाते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। इसकी पीडीएफ अगर आपने हमारे सुपरवाइज़र के नोट्स लिए होंगे तो इसकी पीडीएफ मैं आपको उस ग्रुप में पहुँचा दूँगी। पहला क्वेश्चन है, पॉस एक्ट 2013 को संविधान की किस अनुच्छेद से शक्ति प्राप्त हुई है? पॉस एक्ट जो 2013 है उसको संविधान के किस अनुच्छेद से शक्ति प्राप्त हुई? पॉस एक्ट जो कि 2013 में बना था, ये महिलाओं के जो सेक्सुअल हरासमेंट है उसके उत्पीड़न के खिलाफ ये कानून बना था। इसको इसका फुल फॉर्म अगर देखें तो पी से हो जाता है, इसमें प्रिवेंशन हो जाता है मतलब रोकथाम, प्रोहिबिशन मतलब हो जाता है निरोध, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल मतलब उनका पुनरुत्थान, रिड्रेसल, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशन और रिड्रेसल, ये इसके फुल फॉर्म होता है। इसको पॉस एक्ट 2013 बोलते हैं। और इसका मतलब क्या है, ये कार्यस्थल पर महिलाओं द्वारा सामना किए जाने वाले यौन उत्पीड़न के मुद्दे का समाधान करता है। तो मतलब इसको क्या बोल सकते हैं, पॉस एक्ट किसके लिए है स्पेशली, तो यौन उत्पीड़न से जो महिलाएं सामना करती हैं, अपने ऑफिस में कहीं जाती हैं तो और कोई उनको हरेस करता है, या रास्ते में कहीं जा रही हैं कोई उनको हरेस करता है, तो उसके लिए ये कानून बनाया गया है। 2013 में ये भारत सरकार द्वारा अधिनियमित हुआ था। ये भी पूछ सकते हैं कि पॉस एक्ट कब आया था, तो पॉस एक्ट 2013 में आया था। उद्देश्य था महिलाओं को यौन उत्पीड़न के खिलाफ सुरक्षा प्रदान करना। अब ये क्वेश्चन पूछ रहे हैं कि यह संविधान की किस अनुच्छेद से शक्ति प्राप्त करता है, तो ये अनुच्छेद 15 के तहत शक्ति प्राप्त करता है। पॉस एक्ट 2013 संविधान के किस अनुच्छेद से शक्ति प्राप्त करता है, तो ये अनुच्छेद 15 से शक्ति प्राप्त करता है। फ्रेंड्स, ये हमारे जो सुपरवाइज़र के प्रैक्टिस सेट चल रहे हैं उसका ये 11वां प्रैक्टिस सेट है। 10 प्रैक्टिस सेट पिछले नहीं देखे तो ज़रूर देख लीजिएगा। ये करीब 15,000 प्रश्नों का एक सेट बनेगा आपका एग्ज़ाम तक, और यहाँ से बाहर एक भी प्रश्न नहीं जाएगा। मैं हर तरह के प्रश्न आपको कवर करवा दूँगी बहुत ही शानदार तरीके से, और पीडीएफ हमारा जो ग्रुप है आपको जो सुपरवाइज़र के नोट्स के साथ मिला है उसमें आपको कवर करा दूंगी। मैंने पहले भी कहा है किसी एक संस्थान के नोट्स से आपका सुपरवाइज़र का एग्ज़ाम नहीं निकलेगा, जितना ज़्यादा से ज़्यादा आप प्रैक्टिस करेंगे। इसी कारण हमने अपने नोट्स के साथ आपको एक ग्रुप प्रोवाइड कराते हैं जहां ज़्यादा से ज़्यादा क्वेश्चन आपको भेजे जाते हैं, डेली आपको टॉपिक भेजकर टेस्ट भी लिया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सीआरपीसी की किस धारा में प्रावधान है कि किसी महिला की तलाशी लेनी अगर आवश्यक हो तो उसकी शिष्टता का ध्यान रखते हुए, ये शिष्टता होगा तो उसकी शिष्टता का ध्यान रखते हुए किसी अन्य महिला द्वारा ही तलाशी की जाएगी। मतलब सीआरपीसी की कौन सी ये धारा कहती है कि महिलाओं की जो जांच है वो महिलाएं ही करेंगी, महिलाओं की अगर निगरानी करनी है, तलाशी लेनी है तो महिलाएं ही करेंगी। जैसे कि आप जाते होगे किसी शॉपिंग मॉल में जाते होगे, जो तलाशी वगैरह लेती है वो महिलाओं को ही है प्रावधान किया गया, कोई भी मेल जो है वो फीमेल की जो है तलाशी नहीं ले सकता है। तो ये किस धारा में बोला गया है कि महिला की तलाशी महिला ही लेगी, उसकी शिष्टता के अंतर्गत आता है, तो ये बोला है धारा 51 में। किस में बोला है, धारा 51 में। धारा 51 बोलता है कि अगर महिला की तलाशी लेनी हो तो महिला ही को ही तलाशी लेना पड़ेगा। अगला क्वेश्चन है, धारा 366B का संबंध किससे है? धारा 366B क्या कहता है, लड़की को बेचना, लड़की को खरीदना, विदेश से लड़की का याद करना या लड़की का शोषण करना। तो 366B धारा है उसका मतलब होता है विदेश से लड़की आयात करना। अगर विदेश से कोई लड़की अपने लिए लड़की को खरीद कर लाता है और अपने देश में लाता है, विदेशों से खरीद के लाता है, तो वो जो उसमें जो सज़ा का प्रावधान है वो किस धारा के तहत किया गया है भारतीय दंड संहिता की, तो धारा 366B में विदेश से लड़की के आयात करने की बात की गई है। क्या की गई है, विदेश से लड़की की आयात करने की बात की गई है। किस धारा में की गई है, धारा 366B के तहत की गई है। अगला क्वेश्चन है, पॉक्सो कानून द्वारा, अभी हमने जो ऊपर पढ़ा है पॉक्सो कानून द्वारा
सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की आयु में क्या परिवर्तन हुआ है? हाल ही में सहमति से संबंध शारीरिक संबंध बनाने की आयु में परिवर्तन हुआ है। ये परिवर्तन बढ़ा के कितना कर दिया है? पहले 16 वर्ष था और अब बढ़ाकर कितना कर दिया है? 16 से 21, 18 से 19, 14 से 12, 15 या 16 से 18? तो इसका आंसर है 16 से 18। अब सहमति से शारीरिक संबंध बनाने की आयु में कितना परिवर्तन कर दिया है? 16 से 18 वर्ष कर दिया है। फ्रेंड, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको मेरे व्हाट्सएप, टेलीग्राम, फेसबुक, ट्विटर, इंस्टा का लिंक मिल जाएगा। अगर ज्वाइन नहीं किया है तो ज्वाइन कर लीजिएगा। ये मेरा व्हाट्सएप नंबर है। अगर आपने मुझे व्हाट्सएप पर फॉलो नहीं किया है तो व्हाट्सएप पर भी फॉलो कर लीजिएगा। व्हाट्सएप ग्रुप भी ज्वाइन कर लीजिएगा, वहाँ पर भी बहुत सारे निःशुल्क क्विज होते हैं, तो वो भी आपको मिल जाएंगे। मतलब एक हमारा पेड ग्रुप है जो कि आपको केवल हमारे नोट्स लेने पर मिलता है, और एक हमारा पब्लिक ग्रुप है जो कि आप कोई भी उससे जुड़ सकता है, निःशुल्क आप उसमें क्विज लगा सकते हो। उसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा सामूहिक बलात्कार से संबंधित है? कौन सी धारा है जो सामूहिक बलात्कार को बताती है, कि जिसमें सामूहिक अगर आप रेप करते हैं किसी लड़की का, तो कौन सी ऐसी धारा है जिसमें सजा का प्रावधान है? धारा 376 ए, धारा 376 बी, धारा 376 सी या धारा 376 डी? इसका आंसर होगा धारा 376 डी। भारतीय दंड संहिता की धारा 376 डी के तहत सामूहिक बलात्कार पर प्रतिबंध लगाया गया है। किस धारा के तहत लगाया गया है? धारा 376 डी के तहत सामूहिक बलात्कार के खिलाफ जो एक्शन है उसमें सजा और दंड का प्रावधान है, आजीवन कारावास का प्रावधान है। तो ये याद रखिएगा, सामूहिक बलात्कार किस धारा से संबंधित है? धारा 376 डी से संबंधित है। ये जो PDF है मैं आज रात को अपने पेड ग्रुप में भेजूंगी, और कल आप सब जो लोग भी देख रहे हो वीडियो, जिन्होंने हमारे नोट्स परचेस किए हैं, उनका ये कल इन्हीं क्वेश्चन का टेस्ट रहेगा। तो जिससे कि टेस्ट लूँगी थोड़े थोड़े क्वेश्चन का, तो आपको याद हो जाएंगे। फ्रेंड्स, ये हमारा सुपरवाइज़र का पूरा पैकेज है। सुपरवाइज़र का जो हमारा पैकेज है उसमें टोटल आपको 7 बुकलेट मिलती हैं, प्लस एक व्हाट्सएप का ग्रुप मिलता है। एक ये व्हाट्सएप का ग्रुप केवल नाम का ग्रुप नहीं है, ऑनलाइन पेड ग्रुप है, जहाँ पर हम आपको ऑनलाइन क्वेश्चन देते हैं, टेस्ट लेते हैं, टॉपिक वाइज क्वेश्चन कराए जाते हैं, बहुत ही इजी लैंग्वेज में टॉपिक को करके दिया जाता है जिससे आपको पढ़ने में आसानी हो। बहुत सारी महिलाएं ऐसी हैं जो हाउसवाइफ हैं, बच्चों के कारण नहीं पढ़ पाती हैं, तो उनको इतना सरल करके दे देते हैं हम कि उनको पढ़ने में बहुत आसानी होती है, और एक से दो बार पढ़ के उनको क्वेश्चन याद हो जाते हैं। साथ ही साथ डेली प्रैक्टिस भी करते हैं तो भी उन क्वेश्चन को बार बार याद करने में परेशानी नहीं रहती। 7 बुकलेट में एक बुकलेट प्रैक्टिस सेट रहती है, जो 3000 प्लस प्रश्नों का प्रैक्टिस सेट रहता है जिसमें MCQ होते हैं। एक बुकलेट 1000 वॉललाइनर की रहती है, और जो 5 बुकलेट है, 5 बुकलेट थ्योरी की रहती है। 5 बुकलेट किसकी रहती है? 5 बुकलेट थ्योरी की रहती है। तो इस प्रकार से टोटल 7 बुकलेट मिलती हैं, एक MCQ की, एक वनलाइनर की और 5 बुकलेट थ्योरी की। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इनको तैयार किया गया है। ये टोटल 7 बुकलेट है। ये हमारे सुपरवाइजर नोट्स का फिलहाल चार्ज 1399 प्लस 100 कुरियर है। ये चार्ज कभी भी बढ़ सकता है, ये अभी हम इसी रेट में दे रहे हैं। आपको ऑनलाइन भी प्रोवाइड करा रहे हैं, प्लस हार्ड कॉपी भी दे रहे हैं, MCQ भी दे रहे हैं, वनलाइनर भी दे रहे हैं, तो ये रेट जो है वो बढ़ जाएगा। जो भी बुक करना चाहते हैं इसलिए भी बुक कर दीजिए, क्योंकि जो डेली हम ग्रुप में करवा रहे हैं आप उनसे पिछड़ जाएंगे। जितना आप डेली लेट नोट्स परचेस करेंगे उतना ही आप डिले हो जाएंगे। ये जो वस्तुनिष्ठ प्रश्नों की बुक है और ये वनलाइनर की बुकलेट है, बाकी ये सभी 5 बुकलेट थ्योरी की बुकलेट है। बहुत ही इजी लैंग्वेज में इनको कवर किया है। ये इस तरह का प्रैक्टिस सेट आपको मिलेगा जिसमें 3000 प्लस MCQ हैं। अगर आप MPPSC प्री की तैयारी कर रहे हैं तो भी आप हमारा MPPSC प्री के लिए भी एक प्रैक्टिस सेट बनाया है, वो भी आप परचेस कर सकते हैं। ये सुपरवाइजर नोट्स का रिव्यू है, इस प्रकार के नोट्स इसमें कवर किए गए हैं। अगला क्वेश्चन है, पास्को एक्ट कानून की कौन सी धारा के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? धारा 40, धारा 28, 25 या 23? तो पास्को एक्ट की धारा 28 के अंतर्गत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। किसके तहत? धारा 28 के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है। पास्को कानून की कौन सी धारा के तहत विशेष न्यायालय की स्थापना का प्रावधान है? तो धारा 28 के तहत है। फ्रेंड्स, ये मेरा नंबर है, यहाँ पर आप मुझे व्हाट्सअप करके नोट्स परचेस कर सकते हैं, अपना नंबर सेव करवा सकते हैं। नोट्स के लिए आपको अपना एड्रेस भेजना है, पेमेंट नंबर लेके पेमेंट करके स्क्रीनशॉट देना है, तुरंत हम आपको ग्रुप से जोड़ लेंगे। 7 से 8 वर्किंग डेज में ये आपके घर पहुँच जाएंगे। भारत में आप कहीं भी रहते हो ये आपके पास पहुँच जाएंगे। अगला है,
भारतीय दंड संहिता की कौन सी धारा महिलाओं की सहमति के बिना गर्भपात कराने के अपराध से संबंधित है? मतलब ऐसी कौन सी धारा है जिसमें आप महिलाओं से बिना पूछे, उनकी अनुमति के बिना उनका गर्भपात नहीं करा सकते हैं, किस धारा के तहत उसमें दंड का प्रावधान किया गया है? तो IPC की धारा जो 313 है उसमें ये प्रावधान किया गया है, भारतीय दंड संहिता की जो धारा है उसमें 313 के तहत प्रावधान किया गया है कि बिना गर्भपात के आप ये नहीं कर सकते हो कि महिलाओं की अनुमति के बिना आप उनका गर्भपात नहीं करा सकते, उसमें सजा का प्रावधान है। याद रखिएगा, गर्भपात कराने से लेके किस धारा में सजा का प्रावधान है? धारा 313 के अंतर्गत प्रावधान है। इसके अलावा और भी कुछ है वो भी पढ़ लेते हैं। धारा 307, अगर जो है हत्या का प्रयास किया जाता है बच्चे का या माँ का, तो ये धारा 307 के तहत उसमें दंड का प्रावधान है। IPC की धारा 304 कहती है असावधानी से मृत्यु का कारण बनना, मतलब अगर बच्चा असावधानी से मृत्यु हो गई है और वो किसी पे चार्ज लगा दी है महिला, तो भी उस पे खिलाफ केस बन सकता है। IPC की धारा 315 कहती है कि किसी बच्चे को जीवित पैदा होने से रोकने या जन्म के बाद मरने के इरादे से किया गया कृत्य, मतलब अगर उसको जन्म के बाद मारा जाता है या उसको जीवित पैदा होने से रोका जाता है, तो उसको किस धारा के तहत दंड का प्रावधान है? धारा 315 के तहत उसमें दंड का प्रावधान है, तो ये याद रखिएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय दंड संहिता की धारा 498A का उद्देश्य क्या है? भारतीय दंड संहिता की धारा का नाम है 498A, इसका क्या उद्देश्य है? विवाहित पुरुषों को उनकी पत्नियों की क्रूरता से बचाना, विवाहित महिलाओं को उनके पतियों या रिश्तेदारों की क्रूरता से बचाना, तलाक की कार्यवाही को विनियमित करना, या विवाह के भीतर संपत्ति विवादों को संबोधित करना, क्या हो सकता है 498A का उद्देश्य? तो 498A का उद्देश्य है विवाहित जो महिलाएं हैं उनके उसमें उनका पति उनके साथ ज़्यादा निर्दयी ना हो, क्रूर ना हो, या उनके जो पति के रिश्तेदार हैं वो महिला के साथ क्रूर ना हो। ये भारतीय दंड संहिता की धारा 498A बताती है। धारा 498 ये बताती है कि विवाहित महिलाओं को उनके पतियों या रिश्तेदारों की क्रूरता से किस प्रकार से बचाया जा सकता है, मतलब उनके खिलाफ कार्यवाही का अधिकार महिलाओं को देता है। कौन? धारा 498A। फ्रेंड्स, ये मैं बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करा रही हूँ, ये क्वेश्चन आपको बहुत मतलब देखने को मिलेंगे। साथ ही साथ हर तरह का प्रश्न, चाहे वो मानव अंग से संबंधित हो, चाहे पोषण से संबंधित हो, विभिन्न अवस्थाओं में, सारे मैं ऐसी इजी लैंग्वेज में कराऊंगी और तुरंत ग्रुप में PDF भेजती जाऊंगी। तो आप तुरंत आप मेरे वीडियो पढ़ के आप ग्रुप से PDF से भी अपडेट होते रहेंगे। साथ में हमारे नोट्स जो हैं उनमें भी बहुत ईजी लैंग्वेज में इन सभी फैक्ट को कवर किया गया है, जो आपके लिए बहुत ज़्यादा रामबाण साबित होंगे और आपको ऐसा लगेगा कि आपने खुद ही नोट्स बनाए हैं, क्योंकि हमारा टारगेट ही रहता है हैंड रिटन देने का कि आपको बिल्कुल आप ऐसा लगे कि आपने ही नोट्स बनाए हैं। इससे संबंधित महत्वपूर्ण बिंदु देख लेते हैं। भारतीय दंड संहिता कब आई थी? 1860 में आई थी। इसकी धारा 498 498A जो है वो वैवाहिक क्रूरता की अवधारणा से संबंधित है, मतलब विवाहित जो व्यक्ति है वो क्रूर नहीं हो सकता है। दूसरा है, यह धारा विवाहित महिलाओं को उनके पतियों या उनके रिश्तेदारों द्वारा क्रूरता के शिकार होने से बचाती है। और ये कब आई थी ये धारा? 1983 में शुरू की गई थी, ये भी ध्यान रखिएगा। 498A की जो धारा है कब आरंभ की गई थी? 1993 में की गई थी। धारा 498 में ये भी कहा गया है कि अगर कोई महिला का पति या उसका कोई रिश्तेदार महिला के साथ क्रूरता करता है तो उसे 3 साल तक की कैद की सज़ा हो सकती है और जुर्माना भी लग सकता है। इसमें क्रूरता का क्या अर्थ होता है? कि कोई भी जानबूझकर किया गया ऐसा आचरण जो ऐसी प्रकृति का हो जिसमें महिला को आत्महत्या करने के लिए प्रेरित किया जा सके, महिला के जीवन अंग या स्वास्थ्य को गंभीर चोट का खतरा हो, या महिला का उत्पीड़न जहां इस तरह के उत्पीड़न का उद्देश्य उससे संबंधित किसी व्यक्ति को किसी संपत्ति या मूल्यवान सुरक्षा की किसी भी गैरकानूनी मांग को पूरा करने के लिए मजबूर करना हो, मतलब दहेज इनडायरेक्टली बोले दहेज मांग रहा हो, या उसके या उससे संबंधित किसी भी व्यक्ति द्वारा ऐसी मांग को पूरा करने में विफल रहा हो। इस धारा के तहत जो अपराध रहेगा संज्ञेय रहेगा, गैर जमानती होगा और गैर समनीय होगा। कोई भी महिला अपने पति के खिलाफ या अपने पति के घर वालों के खिलाफ इस तरह की शिकायत करती है तो वो जमानत नहीं वाला होगा, मतलब उसको जमानत नहीं मिलेगी, संज्ञेय होगा, सीरियस होगा और समन्वय योग्य होगा। IPC की धारा 498A के अनुसार यदि कोई व्यक्ति जो उसका पति हो या उसका रिश्तेदार हो उसे 3 साल तक कैद की सजा और जुर्माना भी होगा।
अगला है, भारत में बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री हेल्पलाइन नंबर क्या है? 1910, 1098, 114 या 194? तो इसका है 1098, 1098 नंबर है बाल संरक्षण और कल्याण के लिए आपातकालीन टोल फ्री नंबर। तो याद रखिएगा, बाल संरक्षण और कल्याण के लिए कोई ऐसा आप चीज़ आपकी संज्ञान में आती है जो बाल की सुरक्षा से संबंधित हो, तो आप इस नंबर पर शिकायत दर्ज करा सकते हैं। चाइल्ड लाइन देखभाल और सुरक्षा की आवश्यकता वाले बच्चों के लिए एक राजकीय 24 घंटे आपातकालीन टोल फ्री फोन सेवा है। कोई भी बच्चा या संबंधित वयस्क इस सेवा तक पहुंचने की, किसी बच्चे के साथ अगर गलत हो रहा है तो वो बच्चा इस नंबर पर डायल कर सकता है 1098 पर। और यह किसके अंतर्गत एक परियोजना है? ये महिला बाल विकास के अंतर्गत एक परियोजना है। वर्तमान में बात की जाए तो वर्तमान में चाइल्ड लाइन देश के 328 शहरों और ज़िलों में लागू है और लगभग एक वर्ष में 1.5 मिलियन से अधिक कॉलों का जवाब देती है। चाइल्ड इंडिया फाउंडेशन भारत भर में चाइल्ड लाइन की शुरुआत और निगरानी के लिए एक भारत सरकार का नोडल संगठन है और ये महिला बाल विकास द्वारा शुरू की गई एकीकृत बाल विकास योजनाओं के अंतर्गत अभिन्न अंग है। आप फ्रेंड्स मुझे एक कमेंट करके बताइएगा, जो ICDS है, एकीकृत बाल विकास योजना, ये कब आरंभ हुई थी? ICDS या एकीकृत बाल विकास योजना कब आरंभ हुई थी, कमेंट करके बताइएगा। ये हमारे आज के प्रश्न हैं, इनको 2 से 3 बार सुन लीजिएगा। इसी तरह के प्रश्न में जो हमारा 12वां प्रैक्टिस सेट आएगा उसमें करवाऊंगी। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक यू।